ये ब्रह्म कमल का पौधा है जो सिर्फ 5 साल का है। ऐसे नॉर्मल देखें तो बता नहीं सकते कि अभी इस पे कितने फूल आए हैं। 3-4 बार गलती करने के बाद मैंने आराम आराम से टोटल 78 कलियां काउंट की हैं। उनमें से 35 कलियां अभी खिली हैं, ऊपर का पार्ट तो काउंट ही नहीं किया। ये पौधा एक 8 इंच हाइट की ग्रो बैग में लगा हुआ है। मैंने इसे 4 साल पहले एक पत्ते से ग्रो किया था। इस प्लांट को लेके बहुत सारे लोगों के कई सवाल होते हैं, जैसे कि ये प्लांट धीरे क्यों ग्रो करता है, इस पे फूल क्यों नहीं आते हैं, इसके फूल की कलियां गिर क्यों जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ऐसे छोटी छोटी कई सवाल। तो मैंने इस वीडियो में वो सारे सवालों को, डाउट्स को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप आराम से इस प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, आप इसे कैसे ख़रीदना पसंद करेंगे। नर्सरी में ये 100 से लेकर 1000 रुपये के अंदर मिलता है। इसका दर पौधे के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। इस पौधे को बरसात के मौसम में ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पौधे को रीपॉटिंग का शौक नहीं होता और ये आपके गार्डन में जल्दी स्टेबल हो जाता है। इस पौधे को ख़रीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पौधे पर एटलीस्ट एक मेन स्टेम होनी चाहिए, इसके रूट्स पक्के होने चाहिए, पौधे पे नई ग्रोथ होनी चाहिए। इस 3 कंडीशन में ही पौधे को खरीदें। आपको अगर कहीं से एक पत्ता मिल रहा है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। एक पत्ते से हम 2 या 3 पौधा उगा सकते हैं, लेकिन पत्ते से ग्रो हुई पौधे को कम से कम 2 साल लगते हैं फूल आने के लिए। इस पौधे को बरसात के सीज़न में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में कोई भी कटिंग या पौधा बड़ी आसानी से लग जाती हैं। पहले पत्ते को 2 हिस्सों में काट लीजिए। हमेशा ग्रोइंग पार्ट ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। ये लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है। रूट्स ग्रो करने के लिए आप सादा मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, रेत में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर पानी से भी ग्रो कर सकते हैं। पत्ते को ऐसे पकड़ें और नीचे की तरफ दबाव डालें। होने के बाद पानी डाल दीजिए। पानी थोड़ा ही डालिए। अब कटिंग में डेली पानी नहीं डालना है। अपनी उंगली से ऊपर की मीडियम को चेक कीजिए, अगर सूखा है तभी पानी डालें। मिट्टी, कोकोपीट और रेत में कटिंग आराम से लग जाते हैं, पानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन आप अगर पानी में ग्रो कर रहे हैं तो बीच बीच में 2 या 3 दिन में पानी को चेंज करते रहिए। मैंने यहाँ पे एक पत्ते का 2 पार्ट्स को लगाया था और ये देखिए इसमें कितने अच्छे से रूट्स ग्रो हो चुका है। रूट ग्रो होने के लिए 20 से 1 महीने का समय लगता है। इसके बीच में आपको कटिंग में कोई भी खाद नहीं डालना है। ये पत्ते का दूसरा हिस्सा है। अब ये 1 साल का है और एक पौधा बन चुका है। इसमें अभी तक कोई फूल नहीं आया है। कई लोग सोचते हैं ये ठंडी जगह से बिलोंग करता है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये पहाड़ों में जहाँ मौसम ठंडा रहता है वहाँ अच्छे से ग्रो करता है, मतलब पहाड़ों में पानी ठहरता नहीं है, बह जाता है। ये सक्कुलेंट वैरायटी का पौधा है। इसके पत्ते को देखिए, पत्ते चौड़े और मोटे हैं, मतलब इनमें पानी स्टोर होता है। इस प्लांट को सूखा रहना पसंद है। इसकी मिट्टी गीली रहे तो प्लांट को खतरा होता है। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें 30% बजरी वाले रेत मिलाए। बजरी वाले रेत से मिट्टी में थोड़ा एयर गैप बनता है और मिट्टी चिकनी नहीं होती है। और 20% उसमें खाद मिला ले, कोई भी खाद चलेगा। और 10% इसमें कोकोपीट मिलाए थोड़ा सा मिट्टी को हल्का करने के लिए। अगर आप गार्डनिंग अभी सीख रहे हैं तो इसे उगाने के लिए मिट्टी का गमला यूज़ कीजिए, लेकिन आप इसे प्लास्टिक, मेटल, सेरेमिक, सीमेंट या फिर ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको ग्रो बैग यूज़ करने की सलाह दूंगी, क्योंकि रेत की वजह से इसका मिक्सचर थोड़ा हैवी बनता है। ग्रो बैग में आपको इस प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। रीपॉटिंग के बाद इस पौधे का लोकेशन फिक्स करना होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ा होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, इसे सपोर्ट देने के लिए मैंने बहुत जगह से इसे बांधा हुआ है ताकि ये स्ट्रेट रहे।
एक ऐसे जगह चुनें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरती हो। आपका पौधा अगर पूरा धूप में ही रहा तो इसके पत्ते पीले होके ड्राई हो जाएंगी, स्टेम्स तक ड्राई हो जाते हैं, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। आपको अंधेरे में नहीं रखना है, सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। सनलाइट में रखने से पौधे की हालत कैसी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पत्तों में पीलापन देख रहे हैं ये डायरेक्ट धूप गिरने से होता है। धीरे धीरे पत्तों का कलर ब्राउन भी हो जाता है। जो पत्ते इस शीट के नीचे हैं वो ग्रीन हैं। मैं एक रियल प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब कभी बाहर ज़्यादा दिनों के लिए जाती हूँ, मेरे घर पे जो डेली हेल्प के लिए आते हैं, मैं उन्हें पौधे पे पानी डालने के लिए बोलती हूँ, तो उनकी एक कंप्लेन होती है कि आपके गमले में कभी पानी नहीं ठहरता तो पौधा पानी कैसे पिएगा। इसलिए वो तब तक गमले में पानी डालती रहती हैं जब तक वो नीचे से बह के बाढ़ ना आ जाए, और मैं जब तक लौट के आती हूँ तब तक कई पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, तो वो करने से आप बचें। ये एक सक्यूलेंट पौधा है इसलिए इसे पानी और खाद की ज़रूरत कम होती है। पानी इसमें तभी डालें जब इसकी मिट्टी हाथ को सूखी लगे, और जब भी पानी डालें थोड़ा ही डालिए। कई जगह पे पौधे का गमला खुली जगह में रहता है जहाँ पे बारिश का पानी गिरता रहता है। जो पौधा ज़मीन पे लगा हुए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बारिश का पानी गिर के बह जाता है, लेकिन गमले में लगे हुए पौधे को नुकसान होता है। आप अपने गमले को इस जगह रखिए जहाँ बारिश का पानी ना गिरे। इस पौधे पे बार बार खाद नहीं डालनी चाहिए। जैसे हम दूसरे पौधे पे हर 15 दिन में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, वैसे इसकी डिमांड नहीं होती। ये सिर्फ ग्रोइंग सीजन में फ्लावरिंग के लिए ही फर्टिलाइज़र डिमांड करती है। तो इसकी ग्रोइंग सीज़न क्या है, बरसात के सीज़न में जब ये फ्लावरिंग करता है उससे थोड़े दिन पहले इसकी ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट होती है। फूल आने से पहले इसमें नए नए पत्ते आते हैं और पेड़ घना होने लगता है, तो इस प्लांट पे साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही फूल आते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम आता है इस पे कलियाँ आने लगती हैं। कली पत्तों में ही लगती है, कितने फूल आएंगे ये प्लांट पर डिपेंड करता है। आपका प्लांट जितना हेल्दी होता है उतने फूल आते हैं। ये सिलसिला विंटर के शुरू होने तक चलता है और फिर फ्लावरिंग बंद हो जाती है, इसलिए इसे स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु से ही तैयार करना होता है। मतलब इसे हेल्दी बनाने के लिए खाद डालना ज़रूरी होता है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु स्टार्ट होती है, इसमें मुट्ठी भर के कंपोस्ट डालिए और अच्छे से मिट्टी के साथ मिला दीजिए। ये प्रक्रिया बारिश ख़त्म होने तक हर महीने करिए। गर्मी में ज़्यादा कंपोस्ट डालना नहीं चाहिए क्योंकि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे जड़ों में ज़्यादा गर्मी बढ़ती है और जड़ें गलने लगती हैं, तो महीने में एक बार ही डालिए। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस पौधे पे लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो वो भी डालना ज़रूरी है। बीज में से तेल निकलने के बाद जो बच जाता है, जैसे कि मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, तिल, इनमें से कोई किसी का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधे पे डालिए। ये सारे आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। जिस दिन आप फर्टिलाइज़र डालेंगे उससे दो दिन पहले पेड़ में पानी डालना बंद करेंगे। जिस दिन फर्टिलाइज़र डालना है पहले गमले की मिट्टी को लूज़ करेंगे। ऐसे करने से मिट्टी तुरंत ही खाद को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक मुट्ठी को 1 लीटर पानी में 3 या 4 दिन तक एक बंद कंटेनर में रखें। हर दिन ढक्कन खोल के 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएं। 4 दिन के बाद इस 1 लीटर के लिक्विड में और 9 और 10 लीटर पानी मिलाएं। आप जितना पानी डालते हैं उतना ही सल्यूशन जड़ों में डालिए। बारिश आने तक इस फर्टिलाइज़र को हर 20 दिन में डालते रहिए। बारिश आने के बाद इसे और मत डालिए, इससे जड़ों में फंगस फैलने की चांसेस होती है। गर्मियों के बीच में इसके पत्तों में कलियां बनने लगती हैं। फूल की कलियां और पत्ते में कंफ्यूज मत होइएगा, ये चमकने वाले पत्ते होते हैं और फूल की कली ऐसी दिखती है। सारे कलियां फूल नहीं बनती, जो कलियां नहीं खिलती वो सूख जाती है या फिर अपने आप गिर जाती है। फूल बनने वाली कलियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं। जब तक फूल नहीं खिलता कली का मुंह ऊपर की तरफ रहता है। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फूल कभी भी खिल सकते हैं। फूलों से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, जैसी खुशबू है दिखने में भी उतना सुंदर होता है।
कुछ दिन पहले 78 फूल की कलियों में से कुछ कलियां ऑलरेडी खिल गई हैं, कुछ अपने आप खराब हो गए हैं और कुछ गिर गए हैं। इस बार एक साथ इतनी सारी फूल आए हैं और कुछ बाकी हैं जो धीरे धीरे खिलेंगी। इसके फूल सुबह होते होते मुरझा जाते हैं और नीचे की तरफ लटक जाते हैं। फूल की छोटी सी कली से लेकर यहाँ तक आने के लिए इस पौधे को 15 दिन लगते हैं। पूरे बारिश के सीज़न में फूल आते रहते हैं, कभी कभी सर्दी के शुरू होने तक भी फूल आते हैं। फिर धीरे धीरे फूल खिलना बंद हो जाता है। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। एक बार कलियां आ गई तो इसका रिपॉटिंग कभी मत कीजिएगा, और पौधा अगर बहुत बड़ा है तो इसकी जगह चेंज मत कीजिएगा, इससे पौधा डिस्टर्ब होता है और कलियां गिरने के चांसेस होते हैं। सर्दी के टाइम इसमें कोई भी खाद ना डालें, इसे नेक्स्ट गर्मी आने तक इग्नोर करते रहिए। बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालिए। इसको कटाई या प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर एक बार ये पौधा आपके गार्डन में सेट हो गया तो यकीन मानिए धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो जाता है कि बालकनी भी छोटी पड़ जाए। तो ये था ब्रह्मकमल प्लांट को लगाने का पूरा प्रोसेस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको इस प्लांट के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिली हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी। इस प्लांट को कई लोग शुभ मानते हैं। हम जैसे तुलसी जी की पूजा करते हैं, कहीं कहीं इसकी भी पूजा की जाती है। सबकी अलग अलग श्रद्धा और आस्था होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।